नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक प्यारा सा स्वेटर डिजाइन लाई हूँ जिसके लिए फंदों का कोई बंधा नहीं है अपने भी फंदे ले सकते हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद हम दो लाइन प्लेन बना लेंगे यानी आगे से सभी फंदे सीधे आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे ताकि डिजाइन का बेस तैयार हो सके तो अब तीसरे लाइन से हमारा डिजाइन शुरू होता है तो तीसरे लाइन से हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे उसके बाद अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदे को सीधा लेंगे अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदे को सीधा अगला फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा लेंगे स्लिप करते समय हम ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा अगला फंदा स्लिप करेंगे ऐसे पर्ल वाइज हम स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे तो एक फंदे को सीधा बुनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड तो बुने हुए फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे बुने हुए फंदे को उल्टा स्लिप किए फंदे को स्लिप कर लेंगे इस तरह एक फंदे को उल्टा बुनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और अब हम फिर वापस सामने की तरफ आ गए यह डिजाइन का तीसरा लाइन है और फ्रंट साइड तो तीसरे लाइन में हम अपने वापस प्राइमरी कलर को लेंगे और ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे और देखिए ये फंदा हमने बुना था तो इसे सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे अगला फंदा सीधा नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये बुना हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे ये फंदा स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा तो एक फंदे को स्लिप करते हुए और अगले फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे अब हम डिजाइन के चौथी लाइन में है और रॉन्ग साइड से तो इस लाइन में हमें सारे फंदों को बुन लेना है स्लिप किए हुए फंदे को भी और बुने हुए फंदे को भी सभी फंदे को हमें उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेना है तो चौथी लाइन में रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सामने से तो अब हम अपने सेकेंडरी कलर का को लेंगे और देखिए ये फंदा हमने पहला फंदा हमने स्लिप किया था तो अब की पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे यानी जिस फंदे को हमने पिछली लाइन में स्लिप किया था इस लाइन में हमें उसी फंदे को सीधा बुनना है और देखिए ये फंदा हमने सीधा बुना था तो इस फंदे को हमें स्लिप करना है देख, ये फंदा देखिये स्लिप किया था तो इस फंदे को हमें सीधा बुनना है और ये फंदा हमने बुना था तो अब की इसे स्लिप करना है ये बुना था फंदा तो इसे स्लिप करेंगे और देखिए ये फंदा स्लिप किया था तो इसे हम सीधा लेंगे एक फंदे को स्लिप करते हुए नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप कर लेंगे और यह फंदा बुना हुआ है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे यह फंदा स्लिप किया हुआ है तो इसे स्लिप कर लेंगे और ये फंदा बुना हुआ है तो इसे बुन लेंगे यानी देखिए काले रंग से हम बुन रहे हैं तो ये दूसरे कलर वाला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और काला फंदा जितना है वो सब उल्टा बुन लेंगे बुना हुआ फंदा सारा उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा सभी फंदे हम वापस स्लिप करते चले जाएंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया अब हम वापस सामने की तरफ है तो हमें अब अपने सेकेंडरी कलर अब हमें अपने प्राइमरी कलर से बुनना है तो प्राइमरी कलर से बुनते समय जो फंदा हमने बुना था वापस उसी को हम बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप कर लेंगे ये फंदा बुना था तो वापस इसे बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे यानी तीसरा लाइन जो है वो पहली लाइन को ही तीसरी लाइन में हम पहली लाइन को ही दोहराएंगे तीसरी लाइन में पहली लाइन को दोहराएंगे और सातवीं लाइन में हम अपने पांचवी लाइन को ही दोहराएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे स्लिप किया हुआ फंदा भी उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे यानी आठवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे जो फंदा स्लिप किया गया था उसे भी उल्टा और जो फंदा बुना गया था उसे भी हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे फिर हम अपने फर्स्ट लाइन को दोहराएंगे यानी कि सेकेंडरी कलर्स के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे ये फंदा देखिए इसे बुना गया था तो इसे हम हमें स्लिप करना है और ये फंदा स्लिप किया गया था तो इसे हमें बुनना है तो एक फंदे को स्लिप करते हुए और एक फंदे को बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे आठ लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं आठों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते चले जाएंगे स्लिप क्या फंदा स्लिप करेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा स्लिप क्या हुआ फंदा स्लिप करेंगे बुना हुआ फंदा उल्टा स्लिप क्या हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे अब फिर ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से तो इस लाइन में हम वापस अपने प्राइमरी कलर का बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे फोर्थ रो और रॉन्ग साइड तो फोर्थ रो में हम अपने फोर्थ रो में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे जो फंदा हमने स्लिप किया है उसे भी उल्टा और जो फंदा बुना है उसे भी उल्टा सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा मैं थोड़ा सा और बुन के आपको दिखाते हूं तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन बनके तैयार है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो ये यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद